नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन की चिंगारी पंजाब से उठी और हरियाणा को अपनी जद में लेते हुए पश्चिम यूपी तक फैल गई। पंजाब में जहां किसान सड़क पर हैं, तो पश्चिम यूपी में खाप पंचायतों का दौर चल रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने आज राज्यसभा में जवाब देकर आंदोलनकारी किसानों को साधने की कोशिश करी। इसी पर देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। खत्म करिए किसान आंदोलन। कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन की तपीश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा, लेकिन साथ ही आंदोलनकारी किसानों से खास अपील भी की। पीएम मोदी ने कहा, एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। किसानों को आंदोलन खत्म करना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। कृषि कानूनों के मसले पर पीएम मोदी ने कहा कि सदन में सिर्फ आंदोलन की बात हुई है, सुधारों को लेकर चर्चा नहीं की गई है। पीएम ने कहा, जब लाल बहादुर शास्त्री जी को जब कृषि सुधारों को करना पड़ा, तब भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे थे। तब लेफ्ट वाले कांग्रेस को अमेरिका का एजेंट बताते थे, आज मुझे ही वो गाली दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी कानून आया हो, कुछ वक्त के बाद सुधार होते ही हैं। ये शास्त्री जी के समय की घटनाएं हैं और अंत में शास्त्री जी को, सी सुब्रमण्यम जी को कृषि मंत्री बनाना पड़ा था और उन्होंने रिफॉर्म्स की बातें की। योजना आयोग ने भी उसका विरोध किया था। मजा देखिए, योजना आयोग ने भी विरोध किया था, वित्त मंत्रालय सहित पूरी कैबिनेट के अंदर भी विरोध का स्वर उठा था, लेकिन देश की भलाई के लिए शास्त्री जी आगे बढ़े। और लेफ्ट पार्टी जो आज भाषा बोलते हैं ना, वही उस समय बोलते थे। वो यही कहते हैं, अमेरिका के इशारे पर शास्त्री जी ये कर रहे हैं, अमेरिका के इशारे पर कांग्रेस ये कर रही है। सारे जी जितना आज मेरे खाते में जमा है ना, वो पहले आपके यहाँ बैंक में अकाउंट में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने भी कृषि सुधारों की बात की है। शरद पवार ने अभी भी सुधारों का विरोध नहीं किया। हमें जो अच्छा लगा वो किया, आगे भी सुधार करते रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा, आज विपक्ष यू टर्न कर रहा है क्योंकि राजनीति हावी है। कृषि सुधारों की वकालत की है, कोई पीछे नहीं है, क्योंकि हर एक को लगता है कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है, लेकिन ये होना चाहिए। ये बात हर एक की निकली हुई है और आज नहीं, जब भी जो जहां थे सबने की हुई है। और शरद राव जी ने तो अभी एक बयान भी दिया कि भाई मैं सुधारों के पक्ष में हूं। ठीक है, पद्धति के संबंध में उनके मन में सवाल है, लेकिन सुधारों का विरोध नहीं किया। पीएम का भाषण टिकैत को नहीं आया पसंद। प्रधानमंत्री मोदी के राज्यसभा में दिए गए भाषण पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पलटवार किया है। टिकैत ने कहा कि पीएम मोदी मसले को सुलझाने के बजाय उसे लगातार उलझा रहे हैं। वे उलझा रहे, समझ में नहीं आ रहा, काम नहीं कर रहे। एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो देश के किसानों को फायदा होगा। अब एमएसपी पे कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है उसको, ये काम। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये कानून है वो छोटे किसानों के लिए है, सीमांत किसानों के लिए है और उनके प्रति सरकार से बनवारी है सरकार को। अब सारे मसले ये हो गए, पहले पंजाब का था, फिर उसका सिक्का बनाया, फिर अलग अलग बनाया, किसान में भी छोटा बड़ा किसान हो गया। अब इसका अगला एजेंडा क्या रहेगा उनका? ये किसान देश का एक है सर, प्रधानमंत्री का छोटा बड़ा है ना, वो है, ये छोटे का ही तो आंदोलन है, ये बड़ों का तो आंदोलन नहीं। सरकार वर्सेस किसानों के इस दंगल में अब देखना ये होगा कि पीएम मोदी के बयान के बाद किसानों की आगे की रणनीति क्या होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज़।
तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि किसान वर्सेस सरकार में कौन जीतता है और ये लड़ाई कब तक चलती है। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।